बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद रशीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ, जिसमें मैं आपको वेलकम करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8 क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 3.6 को हम डिस्कस करेंगे। इससे कबल हमने इसकी पिछली तमाम एक्सरसाइज, पिछले दोनों चैप्टर, तीसरा चैप्टर कम्प्लीट जो है वो उसको हमने डिटेल से कर लिया था। तो आज हम 3.6 को डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बजहर आपको डायग्राम के अंदर भी एक तो कौन सी नजर आ रही है। तो सबसे पहले हमने ये बेसिक चीजें डिस्कस करनी है, फिर हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। अगर आप ये चीज नहीं सॉल्व करना चाहते, नहीं देखना चाहते, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहां पे जो है वो क्वेश्चन के टाइम कोड दिए हुए हैं, तो आप उन पे क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन ओपन करें तो आप इसको स्किप करके अपने क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। तो मेरे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन कह रही, सॉरी, ये टॉपिक है आपको बजहर ये कौन नजर आ रही है। ठीक है, कौन जो है ये आपको इस शेप में होगी, जिसका नीचे वाला जो एरिया है वो सर्कुलर होगा, एक सर्कल की फॉर्म में होगा। ठीक है, और ऊपर इसकी ये वाली नोक होगी, जिसके दोनों तरफ से ये तिरछी जो लाइनें हैं ये जाए होंगी ऊपर की तरफ, और यहाँ पे जो इसका ये वाला जो आपको ये चोंच नजर आ रही है, ये वाली जो चोंच नजर आ रही है, इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे, और ये जो इसकी तिरछी हाइट है इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक हो गया, स्लांट हाइट है। उसके बाद ये आपके पास एक कोना है, वर्टेक्स है ए, ये भी आपके पास सी है, ये इसका इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, जिसको हमने ओ से डिनोट किया हुआ है, और ये जो एरिया है ये सर्कुलर बेस एरिया है, और यहां से यहां तक जो है इसको हमने रेडियस का नाम दिया है। ये रेडियस है जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, ये सेंटर से, सर्कल के सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस तक जो उसका डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। और ये जो आपके पास हाइट है, ये वाली जो लाइन है इसको हमने हाइट का नाम दिया है। अगर हम गौर करें तो ये आपके पास एक ट्रायंगल नहीं बन रही, ये यहां से यहां और ये वाली लाइन इसकी, जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर भी है, उसकी हाइट भी है, ये उसका जो है वो बेस हो जाएगी, कायदा हो जाएगा, और ये उसका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस सारी चीज को देख के हमने यहाँ पे लिखा है जी, कॉनिकल सॉलिड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, जो कोन है वो दो हिस्सों में जो है वो कंसिस्ट करती है, दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। वो दो हिस्से कौन से होते हैं, एक होता है उसका सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस मीन्स के ये निचले वाला हिस्सा, ये वाला जो सर्कल फॉर्म में है, ये वाला जो है। ठीक है, उसके बाद एक है कर्व्ड सर्फेस, एक उसका कर्व्ड सरफेस होता है, हाँ जी, उसका सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, चूंकि इनको आगे हमने यूज भी करना है एरियाज को। तो सबसे पहले बेस एरिया हम डिस्कस करेंगे, बेस एरिया या उसको बी ए से डिनोट कर सकते हैं। बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर, जिसमें आर जो है वो रेडियस है। रेडियस कहाँ से है, आर इज रेडियस ऑफ बेस, ये वाला, इसका ये वाला रेडियस लिया गया है। ठीक है, उसके बाद सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा है, पाई आर एल। ठीक है, पाई इसमें कोई एंगल होगा, आर इसमें रेडियस है, एल इसमें ये वाली स्लांट हाइट को लिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो उसमें आता है बेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। बेस एरिया को और कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास इस कोन का टोटल जो सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट हो जाता है। अगर बेस एरिया हमारे पास ये है पाई आर स्क्वायर और कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, इनको ऐड किया, इनमें से पाई और आर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है वो ये वाला हमारे पास बन जाएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो ये जो बेसिक चीजें थी कि हमने डिस्कस कर ली हैं, तो इसी तरह जो है हम नेक्स्ट अब मूव ऑन करेंगे इसकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन जो है वो बेटा क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन की आपने स्टेटमेंट सबसे पहले देखनी है कि राइट द मिसिंग एलिमेंट्स, इसमें जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं ये आपके सामने एक बड़ा सारा टेबल दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले आर एच एल, ये हमें तीन वैल्यू है, उसके बाद कर्व्ड सर्फेस एरिया, उसके बाद बेस एरिया, फिर टोटल सर्फेस एरिया हमने फाइंड करना है। मीन्स के ये आपके सामने जो है ये छह आपको चीजें गिवन है, छह चीजें आपके सामने जो है वो लिखी हुई हैं, जिनमें से आपको दो गिवन है, बाकी चार आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्टली आपके पास आर है, एच है, एल है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यू जो हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। उसमें हमें एक तो एच दिया हुआ है जी 8, ये जो सारी मेजरमेंट है ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास L दिया हुआ है वो है जी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बेटा इसमें से R फाइंड करना है। R फाइंड करेंगे तो हमें बाकी भी नेक्स्ट, अच्छा R कैसे फाइंड करना है, ये फार्मूला आपने पीछे पढ़ा हुआ है। L इसमें स्लॉट हाइट होती है, H इसमें जो है ये इसकी हाइट होती है, और इसके अंदर जो जो है R है वो इसका रेडियस होता है। तो अगर इसको हम फार्मूले को लिखें तो L का स्क्वायर इज इक्वल टू
एच का स्क्वेयर प्लस आर का स्क्वेयर होता है। तो यहां से आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमने यहां से आर की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो एच इस तरफ आ जाएगा, मतलब एल स्क्वेयर के साथ, मतलब ये ऐसे आएगा, आर का स्क्वेयर इज इक्वल टू एल का स्क्वेयर माइनस एच का स्क्वेयर। तो अब अगर इसका ये स्क्वेयर रूट है तो दोनों तरफ अगर मैं जजर ले लूं तो आर बराबर आ जाएगा एल का स्क्वेयर माइनस एच का स्क्वेयर और सारे का आ जाएगा स्क्वेयर रूट, कुछ इस तरह से फार्मूला आ जाएगा। तो इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें, तो एल की जगह पे एल की वैल्यू 10 का स्क्वेयर माइनस एच की जगह पे 8 का स्क्वेयर और सारे का स्क्वेयर रूट, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 10 का मुरब्बा होता है 100 माइनस 8 का मुरब्बा होता है 64, इसका जजर लिया आपने तो आर इज इक्वल टू इसको किया जी 36 का स्क्वेयर रूट। तो यहाँ पे आर जो है वो हमारे पास आ गया है 6, ठीक है। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट जो है वो हम इसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले सिंपल जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम करंट सरफेस एरिया ले लें या आप बेस एरिया निकाल लें, इजीली हम नेक्स्ट जो है वो वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगा, उसके लिए लिखूंगा सी एस एंड ए, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका फार्मूला लिखें तो पाई आर एल, ठीक है। तो इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, आर की वैल्यू हमने अभी 6 निकाली है, एल की वैल्यू हमारे पास जो मतलब यहाँ पे है या कि 10, ठीक हो गया। अब आपने ऊपर वाली तीनों रकमों को आपस में जरूर दे देनी है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 को जब आपने 10 से मल्टीपल किया तो इसका आंसर आ जाएगा 220, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है अब 6 के साथ और सारे का बटा आ जाएगा 7, ठीक है। तो आपने 220 को 6 के साथ जरूर दी तो 600, ठीक है, 6 × 2 = 12, 2 × 1 हासिल 6 × 2 = 12 और 1 हासिल 13, 1320/7। अब इसको आपने कर्व्ड सरफेस एरिया, अब इनको आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने करना है डिवाइड, ठीक है। 1320 को 7 पे तकसीम कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा, देखें 1320 को आपने कर देना है 7 पे तकसीम, 7 एक बार, 7 माइनस किया तो 6 ऊपर से उतारा 2, फिर 7 8 बार 56, इसको 12 में से 6 गए 6, ऊपर से उतारा आपने 0, फिर 7 8 पे 56, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा भी 56, यहाँ पे बचेगा आपके पास 4, फिर यहाँ पे लगा अशारिया, फिर लगा 0, फिर 7 5 × 35, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस किया तो 5 × 50 = 7 × 49, तो आपके पास ये वाला आंसर होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम यहाँ पे लिखें, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका आंसर हमारे पास आएगा 188.57 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इस तरह हमारे पास ये वाला भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसको मुझे रेस करना पड़ेगा अब, जी। तो बच्चों ऐसे ही नेक्स्ट जो है हम निकालेंगे जी इसका बेस एरिया, उसके लिए मैं लिखूंगा यहां पे बेस एरिया, उसका फार्मूला लिखें सबसे पहले, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर, इसमें वैल्यू पुट कर दें, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 6 का स्क्वेयर, ठीक है। तो 22/7 6 का स्क्वेयर होता है हमारे पास 36, इन दोनों को आपने कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है 36 को 22 के साथ, 22 × 36, इसको मल्टीपल किया तो 6 × 2 = 12, 2 × 1 हासिल 6 × 2 = 12 और 1 हासिल 13, 132, ये 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, ये 2, 6 × 3 हो गया 9, 6 × 1 = 792 हमारे पास आ गया 792 को अब आपने कर देना है 7 पे डिवाइड, ठीक है। अब इसको जब आपने डिवाइड किया तो आफ्टर डिवीजन इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा बेटा बेस एरिया, तो वो आ जाएगा 113.14 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। इस तरह हमारे पास बेस एरिया फाइंड हो जाएगा। तो आपके पास ये तीन चीजें फाइंड हो गई हैं। अब हमने निकालना है लास्ट वाला पार्ट, मतलब के आखिरी इसका टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना, तो उसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं टोटल सरफेस एरिया। तो बेटा जगह थोड़ी सी कम है तो इसके लिए आप थोड़ी फोकस करें, आपको इजीली समझ आ जाएगी। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमने बेस एरिया को, बेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया को आपने ऐड कर देना है जी। बेस एरिया हमारे पास कितना है 113.14 प्लस कर्व सरफेस एरिया 188.57, इनको आपने जब ऐड किया
तो आपके पास 7 4 11, 1 लगा 1 हासिल, ठीक है, 5 और 1 हासिल, 5 और ये 6 और 1 हासिल, 7, फिर यहाँ पे अशारिया की जगह पे अशारिया, 8 और 3 11, 1 1 हासिल, 8 और 1 हासिल, 8 और 1 9 और 1 हासिल, 10 0 1 हासिल, ठीक है। उसके बाद भाई 1 और 1 2 और 1 हासिल, आपके पास 301.71, ये हमारे पास हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इस तरह हमारे पास ये 6 की 6 चीज़ें फाइंड हो गई हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इसको अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो बेटा हमारे पास आर की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 6। कर्व सरफेस एरिया हमने निकाला है 188.57 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ओके। नेक्स्ट भाई बेस एरिया अगर हमने यहाँ पे लिखे तो 113.14 सेंटीमीटर स्क्वेयर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया लिखें तो वो 301.71 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इस तरह बेटा आपकी फर्स्ट वाला पार्ट इजीली सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। जी तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऐसे अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो बेटा सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली हर इजी वे में आसान तरीके से आने वाली हर जो वीडियो है वो आप तक आसानी पहुंचती रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो क्वेश्चन मेरे पास है अभी सेकंड वाला, इसमें हमें आर गिवन है और एच गिवन है। सबसे पहले जो हमें वैल्यूज गिवन है, आर इज इक्वल टू 3 एंड एच इज इक्वल टू 4, H इज इक्वल टू 4 एंड L हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने L फाइंड करना है, तो L का फार्मूला हम यहां पे लिखेंगे, L का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। देखें अगर हमने L, बच्चों कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट जो है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जी बेस एरिया की। उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे बेस एरिया, चलिए उसको मैं लिख लेता हूं जी, बेस एरिया इज इक्वल टू, बेस एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर, तो पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे आर हमारे पास है 3 का यहाँ पे स्क्वेयर, ठीक है, तो 22/7, 3 का स्क्वेयर होता है 9, इनको आपने मल्टीपल किया, 9 2 18 81 कैरी 9 2 18 1 19 1 98/7, ठीक है, तो इनको अब आपने कर देना है डिवाइड। जब इनको आपने डिवाइड किया तो हमारे पास जो आफ्टर डिवीजन आंसर आएगा 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो बेस एरिया का फार्म, जो बेस एरिया जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया इस तरह। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट जो है वो मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे जी टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे किस किस एरिया को हमने ऐड करना है। यहाँ हमारे पास होगा बेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया हमारे पास कितना है जी 47.14, उसके बाद बेस एरिया हमारे पास है 28.28, ठीक है, इनको ऐड कर दें, 8 4 12 2 1 हासिल, 2 1 3 और 1 हासिल, 4 यहाँ पे आ गया 0.8715 5 1 हासिल, 4 2 6 और 1 हासिल 7, तो 75.542 हमारे पास टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट हो गया, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इस तरह हमारे जो मतलब चार की चारों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब इनकी जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे, एल की जगह पे हमने फाइंड किया है जी 5, कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड किया है जी 47.14, उसके बाद भाई बेस एरिया हमने फाइंड किया है 28.28, ऐसे ही हमने जो टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया है 75.42। इस तरह आपके क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे बेटा हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके पार्ट 3 को सॉल्व। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऐसे मेरे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बेटा अगर आप वीडियो को वाकई अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं तो एक कमेंट लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर कीजिएगा कि हम वाकई एंजॉय कर रहे हैं, हमें समझ आ रही है, थैंक यू। तो हमारे पास नेक्स्ट भाई तीसरा पार्ट है, उसमें आर गिवन है और एल गिवन है। बेटा हमें आर दिया हुआ है यहाँ पे 9 एंड एल दिया हुआ है हमें यहाँ पे 25, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है जी
H हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने फार्मूला लिखना है। फार्मूला चूंकि हमें पता है इक्वल होता है एल का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर का स्क्वेयर प्लस एच का स्क्वेयर। एच का स्क्वेयर अगर एच हमने फाइंड करना है तो आर इधर आ जाएगा, तो मतलब कि ऐसे आ जाएगा जी एच का स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। एच इज इक्वल टू एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर का आ जाएगा यहाँ पे स्क्वेयर रूट। तो इनके अंदर आप वैल्यूज पुट करते हैं तो इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो भाई एल की वैल्यू हमारे पास है 25, इसका स्क्वेयर माइनस आर की वैल्यू 9 है, तो 9 का आ जाएगा हमारे पास स्क्वेयर और सारे का स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू 25 का स्क्वेयर होता है 625, मतलब 625 9 का हो जाता है 81। तो इनको जब हमने जो है माइनस किया तो हमारे पास 15 में से एक निकालेंगे तो आ जाएगा, नहीं सॉरी 5 में से एक गया तो आपके पास बच गया 4। उसके बाद भाई इधर हासिल लिया 12 में से 8 गया तो 4 यहाँ पे बच गए आपके पास 5, 544 का आपने लिया जजर। तो इसका जब हमने जजर लिया तो h इज इक्वल टू 23.32 हमारे पास जो है h की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट हम इसकी जो नेक्स्ट वाली वैल्यूज है उनको बारी बारी सॉल्व करेंगे। जी बच्चों नेक्स्ट ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट फाइंड करेंगे जी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया का लिखेंगे जी कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, तो इनकी आप वैल्यूज पुट कर दें, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे आर की वैल्यू हमारे पास जो है 9, एल की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे एल चूंकि हमने फाइंड किया जो हमारे पास था 25। ठीक है, तो हमने इन तीनों वैल्यूज को ऊपर वाली तीनों रकमों को हमने करना है इनको मल्टीप्लाई। तो इनको बेटा आप ये बड़ी वैल्यूज हैं तो इनको मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आएगा 22/9। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीपल किया फिर हमने इसको कर देना 25 से, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जी 495/7। ठीक है, तो इनको अब आपने कर देना है जी डिवाइड। जब इसको आपने डिवाइड किया तो मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो फाइंड हो जाएगा। इसको आफ्टर डिवीजन जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 707.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह बेटा ये हमारे पास इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड हो गया। तो ऐसे ही नेक्स्ट हम इसका जो है वो बेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पे बेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब भाई पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे हमारे पास चूंकि है जी 9 का स्क्वायर, तो 22/7 आर का स्क्वायर होता है यहाँ पे 81। ठीक है, अब आपने 22 को आपने 81 से कर देना है जी मल्टीप्लाई, 22 को मल्टीप्लाई करना है 81 से, 22/81 तो आ गया 1782/7। तो इसको आपने कर दिया जी 7 पे डिवाइड, आफ्टर डिवीजन इसका जो रिजल्ट आया हमारे पास 254.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास ये बेटा बेस एरिया हो गया। तो ऐसे ही हम इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ये इसमें लाइन है। अब भी टोटल सरफेस एरिया के लिए टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हमने क्या निकाला है 707.14, फिर उसके बाद जो बेस एरिया हमने निकाला है 254.57। तो बेटा इनको हमने ऐड किया तो 7, 4, 11, 1, 1 हासिल, 5, 1, 6 और 1 हासिल आपके पास हो गया 7। ठीक है, उसके बाद भाई 4, 7, 11 यहाँ पॉइंट की जगह 0.7411 लगा 1 हासिल, 5 और 1 हासिल 6, फिर 7 और 2 कितना हो गया भाई 961.71 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा चेंज करने के लिए अब मैं रेड से नहीं लिखूंगा, तो मेरे पास जो एच आया है वो 23.32
थ्री टू, उसके बाद भाई कर्व सरफेस एरिया हमने क्या निकाला, 707.14, बेस एरिया हमने निकाला 254.57, ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास टोटल सरफेस एरिया 961.71। तो आपके पास बेटा तीन पार्ट हो गए हैं, तो इसी तरह हम इसी के लास्ट और फोर पार्ट को सॉल्व करेंगे। जी बच्चों नेक्स्ट मेरे पास बेटा इसकी हमने फाइंड करना है पार्ट फोर, उसमें देखें आपको बेस एरिया और कर्व टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, लेकिन आपने इसमें से कर्व सरफेस एरिया एल एच और आर मतलब ये टोटली आपका चेंज है, पहले तीनों पार्ट से टोटली आपका चेंज है, तो आपको जो गिवन है पहले वो लिख लें। यहाँ पे हमें गिवन है जी बेस एरिया वो कितना है 154, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया जो हमें गिवन है 375, ठीक है। तो आप बेस एरिया लिखें, आपने पहले आर की वैल्यू निकालनी है, जो भी आप निकालें ठीक है। तो बेस एरिया अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो बेस एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बेस एरिया हमें चूंकि गिवन है वो है 154 पाई की जगह पे 22/7 और आर का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। आर फाइंड करने के लिए 7 को इधर मल्टीपल करेंगे, 22 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 को हमने मल्टीपल कर दिया इधर, तो आपके पास दोनों तरफ हमने 7 को किया मल्टीप्लाई 154 मल्टीप्लाई बाय 7, 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर। अब ये 7 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 154 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 22 साथ आर स्क्वायर। अब चूंकि हमने आर फाइंड करना, तो इसका बटा 22 और इसका बटा भी 22, ये कैंसिल हो गया, तो इसको फिर नेक्स्ट हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू अब ये 154 मल्टीप्लाई 7 ओवर आपके पास आ गया जी 22। तो अब ये दो पे पहले इसको कैंसिल करके देखें होता है जी 2 11 22, ठीक है, 2 7 14 1 14 2 7 14, ठीक है। तो 11 × 11 11 7 77 मतलब 77 होता है। तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपके पास हो गया जी 49, तो 49 हो गया। तो अब भाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, इसका भी जजर और इसका भी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जजर लिया तो आपके पास आर इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर होता है आपके पास, स्क्वायर रूट बेटा आपके पास 7, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई है। अब आपने फाइंड करना है एच, उसके लिए हम फाइंड करेंगे यहाँ पे बेस एरिया टोटल सरफेस एरिया। अब आप टोटल सरफेस एरिया से फाइंड करेंगे बेटा एल की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर इनटू आर प्लस एल, ठीक है। वो जो पीछे हमने अभी जो है वो फर्स्टली जो हमने वैल्यूज डिस्कस की थी वहां पे टोटल सरफेस एरिया मतलब जो मेन फार्मूला था वो यही था, ठीक है। तो आप उसको बैक करके भी देख सकते हैं, नहीं तो आप इसी से आगे इसको सॉल्व करें। टोटल सरफेस एरिया हमें चूंकि गिवन है 375 इज इक्वल टू पाई की जगह पे 22/7, आर चूंकि हमने फाइंड कर लिया वो आ गया जी 7 और 7 प्लस एल, ठीक है। अब ये 7 से कैंसिल हो गया, तो 375 इज इक्वल टू 22 बच गया और 7 प्लस एल बच गया। अब चूंकि हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें यहाँ पे 22 को यहाँ से कैंसिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप इसको दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इधर ले आए फिर भी ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास भाई 375, इसको अंदर मल्टीपल किया 7 2 14 4 1 7 2 14 और 1 हासिल 15 154, तो ये प्लस 22L, इसको इधर ले आओ। जब इसको आप इधर लेके आए तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, इसको इधर ले आए जी, 375 − 154 = 22L आ जाएगा। इसको किया आपने माइनस, 5 में से 5 गए तो आपके पास बच गया 0, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 1 गया तो आपके पास भाई 220, 22 यहाँ पे आ जाएगा एल, ठीक है। तो अब आपने एल को इसको कर देना 22 को डिवाइड, तो इसको बेटा मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ पे करूँगा जी 22L इज इक्वल टू 220, ठीक है। तो भाई अब
22 को डिवाइड कर दिया, बोथ साइड आप इसको डिवाइड करें, 22 को डिवाइड किया, इधर भी 22 को डिवाइड किया, ये कैंसिल कर दिया, तो L इज इक्वल टू 22 वन और ये जीरो ऊपर, तो L इज इक्वल टू आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। कितनी रकमें हो गई हैं? एक, दो, अभी आपके पास दो रकमें और बाकी हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी बाकी हैं? हमने अभी R की वैल्यू निकाल, R की निकाल ली है, L निकाल ली है, अब हमने H निकालना है। H कैसे निकालेंगे? H निकालेंगे अभी जो पीछे हमने फार्मूले किए थे, L का स्क्वेयर इज इक्वल टू R का स्क्वेयर प्लस H का स्क्वेयर। देखें H की वैल्यू निकालने के लिए L का स्क्वेयर माइनस R का स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट कर दें। L की जगह पे L की वैल्यू 10 का स्क्वेयर माइनस R की जगह पे R की वैल्यू 7 का स्क्वेयर और इस सारे का स्क्वेयर रूट। तो इसको मजीद आगे शिफ्ट करते हैं, H इज इक्वल टू 10 का स्क्वेयर 149, 7 का स्क्वेयर, इसको आपने किया जी H, जब इसको बेटा आपने यहाँ पे इनको माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 51, तो 51 का जब आपने स्क्वेयर रूट लिया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 7.14। तो इस तरह आपके पास वैल्यूज जो है वो फाइंड हो गई हैं। कितनी वैल्यू फाइंड हुई हैं? एच की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7.14, एल की वैल्यू हमने फाइंड की थी 10 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू हमने फाइंड की है 7 सेंटीमीटर। कौन सी रह गई है? कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास रह गया है जी। तो बेटा कर्व सरफेस एरिया के लिए मुझे इनमें से किसी को रेस करना पड़ेगा। चले मैं यहां से इसको रेस करता हूं, ठीक है। तो भाई कर्व्ड सरफेस एरिया, तो अगर मैं यहां पे लिखूं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने ये फाइंड करना तो बेस एरिया को मैं माइनस कर देता हूं, तो टोटल सरफेस एरिया माइनस बेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। टोटल हमें गिवन है जी 375 माइनस 154, तो कर्व सरफेस एरिया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको इस साइड पे कर्व सरफेस एरिया, हाँ जी, इसको माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 220। पांच में से पांच गए जीरो, सात में से पांच गए दो, तीन में से एक गया दो, तो आपके पास कर्व सरफेस एरिया जो है वो 220 फाइंड हो गया। तो आपके पास ये वाली वैल्यू भी फाइंड हो गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कवर हो गया। बेटा बहुत सारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को समझ आई हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक कमेंट आपने लाजमी करना है। थैंक यू।